सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटेकिस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन का एक क्वेश्चन। उसका मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप जो है राइट टू लेफ्ट में 4-4 बिट के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला पेयर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, बट यहाँ पर जो है 3 ही बिट है तो हम यहाँ पर जो 0 ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा 4 बिट का पेयर बन जाता है। तो यहाँ पे हम जो इसकी डेसिमल वैल्यू हमको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे 8421 के हिसाब से इसकी डेसिमल वैल्यू बन जाती है 9 और इसकी बन जाती है 5। तो हमको यहाँ पे जो है डेसिमल नंबर मिल जाता है इस बीसीडी कोड का, जो कि है 59 बेस 10। अब इस डेसिमल नंबर को हमें जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आपको इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमको इसको 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमको डिवीजन करना है, तो यहाँ पे जाएगा 29 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर यहाँ पे जाएगा 2 से और डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 7 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 बार, रिमाइंडर 1। 2 से 1 बार और करेंगे, ये जाएगा 1 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे जो है डिवीज़न हो गया है, हम यहाँ पे फर्दर डिवीज़न ऑन नहीं कर सकते। तो जो भी हमें रिमाइंडर्स मिले हैं उनको नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे लिखना है, यही हमारा जो है बाइनरी आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 111011, इसका बेस 2, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपको जो एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले हमको जो है इस बाइनरी में कन्वर्ट करना है या किसी में भी कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको जो है डेसिमल में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे जो है राइट टू लेफ्ट में जाके 4-4 बिट के पेयर बनाए एंड देन हमने यहाँ पे जो है डेसिमल में इसकी वैल्यू निकाली है। इस डेसिमल नंबर को हमने जो है बाइनरी में कन्वर्ट किया है सिंपली एक डिविजन परफॉर्म करके। जो भी हमको रिमाइंडर्स मिले हैं हमने यहाँ पे जो है नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे जो है रिमाइंडर्स लिख लिए और इसका बेस 2, यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एंड मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस का प्लेलिस्ट का URL दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो है और भी वीडियोस मिल जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।